Hello, my dear students. This is Priyanka Kaushik and welcome to our channel. As you know, we have completed the three chapters and the fourth chapter is irrelevant, not useful for our preparation. So that's why we are jumping from chapter 3 to chapter number 5. So we are starting major domains of the earth. ठीक है, अर्थ के इम्पोर्टेंट कौन से आस्पेक्ट्स हैं, कौन से लाइक ओशियंस हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियंस कौन से हैं, ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे. आई होप यू विल इन्जॉय दिस सेशन. ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें किसके बारे में बता रहे हैं, ये हमें लिथोस्फेयर के बारे में बता रहे हैं. तो जो अर्थ होती है उसका जो अपर मोस्ट जो सॉलिड पोर्शन होता है, ठीक है, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ जिस पे हम रह रहे हैं वो क्या है, वो लिथोस्फेयर है. और जो गैसियस लेयर्स है अराउंड द अर्थ, जैसे इस तरीके से जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो वो पोर्शन क्या रहता है, वो एटमोसफियर रहता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज रहती है. ठीक है, फिर तुम्हें मतलब आपको पता होगा कि जो मतलब वाटर भी है अर्थ के ऊपर, ठीक है, वाटर भी है, तो वो जो वाटर वाला पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं. ठीक है, ये हाइड्रोस्फीयर हो गया. ठीक है, और इसके अंदर सारी फॉर्म्स में आइस, वाटर, वाटर वेपर, इन सब उसके अंदर ये क्या रहता है, पानी, मतलब इन सब फॉर्म्स के अंदर है. ठीक है, ये ग्रीक वर्ड में लिथोस वर्ड लिया जो उसका मतलब स्टोन होता है, एटमोस का मतलब वेपर होता है, जैसे एटमोसफियर के अंदर वेपर्स है, राइट. ह्यूडर जो है उसका मतलब वाटर होता है, और बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ होता है. तो ये देखिए आप, बायोस्फियर क्या है, इज ए नैरो जोन जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर सब मिलती है जो कि हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद में देखिए लिथोस्फीयर को हम थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ रहे हैं. जस्ट अ मिनट, लेट मी सेट इट. सी, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज द लिथोस्फीयर. ठीक है, इसके अंदर अर्थ की क्रस्ट है. ठीक है, जैसे ये अगर अर्थ है तो बाहर वाला जो सबसे बाहर वाला पोर्शन होता है इसको क्रस्ट बोलते हैं. ठीक है, और इसके बाद में अगर हम इसको तीन पार्ट्स में करें तो ये पार्ट नंबर वन क्या है, क्रस्ट है. पार्ट नंबर टू क्या होता है, मेंटल होता है. ये आप जैसे जैसे आगे की क्लासेस पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पता चलेगा. और अंदर वाला पोर्शन होता है वो कोर होता है. ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, सीएमसी. ठीक है, तो उसके बाद में देखिए यहाँ पे फिर ये बोलते हैं कि क्रस्ट के ऊपर रॉक्स वगैरह है, सोयल है जो कि जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर सर्वाइव करते हैं, प्लांट्स ग्रो होते हैं. ठीक है, तो जो हमारी जो क्रस्ट, जो हमारा अर्थ का जो सरफेस है, अपर पोर्शन है, तो ये जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एज यू नो, एक तो जस्ट मिनट, एक है कॉन्टिनेंट्स और एक है ओशियंस. ठीक है, दो चीज़ें इसके अंदर रहेंगी. ठीक है, तो जो लैंड मास है वो हमारा कॉन्टिनेंट और वाटर बॉडी क्या है, ओशियन बेसिन है. ठीक है, अब इसके अंदर हम देखेंगे फिर ये इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से आप बेसिक चीज़ें सीखनी शुरू करेंगे. देखो, पहले हम ओशियंस देखते हैं. सबसे पहले ये पैसिफिक ओशियन है, जैसे एज यू नो कि अर्थ गोल है, तो ये वाला इधर कनेक्टेड हो गया, इधर पैसिफिक हो गया और इधर पैसिफिक हो गया, इतना. ठीक है, अब ये देखिए आपका जो इधर क्या है, अमेरिका है. ठीक है, ये अमेरिका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ये यूरोप है और ये अफ्रीका है. तो इनके बीच वाला जो पोर्शन है ये क्या है, अटलांटिक ओशियन है. ये साउदर्न ओशियन है. ठीक है, और ये हमारा इंडिया के नीचे क्या है, इंडियन ओशियन है. ठीक है, इतना समझ आ गया. उसके बाद में देखिए फिर ये ऊपर आर्कटिक, जो आपको याद है लास्ट क्लास में हमने आर्कटिक सर्कल देखा था, तो ये हमारा आर्कटिक ओशियन है. अब देखिए हमारे सात कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका 1, साउथ अमेरिका 2, यूरोप 3, अफ्रीका 4, एशिया 5, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 6 और एंटार्क्टिका 7. एंटार्क्टिका पे लाइफ सर्वाइवल नहीं है. ठीक है, हमने ओशियंस, अब देखिए जो हमने ये भी पढ़ा था, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री के ऊपर इक्वेटर है. ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है. इतना समझ आ गया. अब देखिए इसके अंदर आप अभी से अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें देख के चलेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा. जैसे ये 0 डिग्री है और अगर हम इस तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा और इस तरफ जो है वो माइनस वाला होगा. ये देखिए ये 30 डिग्री ईस्ट हो गया, ये ईस्ट वाली है और ये वेस्ट वाला है. ठीक है, ये हमने टाइम का देख लिया, ओशियन देख लिया हमने, और लेटिट्यूड देख लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने, ये
प्राइम मेरिडियन वाली ये लाइन देख ली हमने, ठीक है, और ये टाइम का सिस्टम देख लिया और कॉन्टिनेंट्स देख लिए। अब हमें क्या देखना है कि इम्पोर्टेंट जो माउंटेन्स है वो इन्होंने दे रखे हैं। नॉर्थ अमेरिका में इधर रॉकी माउंटेन है और ये अपलांचियन माउंटेन है, ठीक है। ये आप मार्क कीजिए क्योंकि फिर एटलस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे जैसे आप आगे न्यूज़ पढ़ोगे ना तो इसको करते जाइए। ये यहाँ पे अमेजन रिवर है और ये एंडीज माउंटेन्स है, ठीक है। और अगर हम यूरोप में बात करें तो ये इटली के पास में है, इटली के पास में ये एल्प्स माउंटेन है, ये मेडिटेरियन सी है, ये एटलस माउंटेन्स है, ठीक है। ये नील रिवर यहाँ से जाती है, ड्रकन्सबर्ग माउंटेन है, ये तिब्बत प्लेचू है, ये यूराल माउंटेन्स है यहाँ पे। और अगर हम इधर बात करें इनकी तो ये ग्रेट डेजर्ट है, ग्रेट डेजर्ट है, सैंडी डेजर्ट है यहाँ पे, और ये ग्रेट डिवाइडियन रेंज है यहाँ पे माउंटेन्स, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद में इन्होंने बताया कि जो जस्ट अ मिनट, जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट 8848, ठीक है, 8848 इसकी वो है। ये तो सबसे, जैसे ये अर्थ हो गया तो ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन हो गया। अगर हम अर्थ के अंदर डेप्थ में देखें, ग्रेटेस्ट डेप्थ में कौन है, मैरियाना ट्रेंच है, मैरियाना ट्रेंच, और ये पैसिफिक ओशियन में। ये आपको ध्यान रखना है, आप आपकी इन एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए इन चीज़ों को। फिर उन्होंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है कि एडमंड हिलारी जो है न्यूजीलैंड से, और टेंजिंग नोर्गे शेरपा जो है इंडिया के, ये फर्स्ट मैन थे जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, कब, 1953 में, ठीक है। फिर जुंको टैबी जो है ये फर्स्ट वुमेन थी 1975 में, और इंडिया की फर्स्ट वुमेन कौन थी, बचेंद्री पाल 1984 में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हमने जैसे देखा था कि कॉन्टिनेंट्स हैं तो हमें कॉन्टिनेंट्स को, एक एक कॉन्टिनेंट को डेप्थ में पढ़ना है। जैसे एशिया है, ठीक है, तो ये सबसे पहले तो एशिया क्या है, सबसे लार्जेस्ट, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये 1/3 जो है अर्थ का पोर्शन जो है, लैंड एरिया उसका कवर करता है। और आपने देखा होगा कि ये अगर अर्थ है तो ये ऊपर वाले पोर्शन में, यहाँ पे एशिया है, मतलब नॉर्थ वाले हेमिस्फीयर में, नॉर्थ वाले में है और ईस्टर्न वाले में, नॉर्थ ईस्टर्न में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो यहाँ से पास हो के जाती है। और एक चीज़ देखिए मैं बताती हूँ आपको कि हाँ, ये इधर एशिया है, इधर यूरोप है। एशिया और यूरोप को कौन डिवाइड, किस से डिवाइड हो रहे हैं, यूराल माउंटेन से, ठीक है, यूराल माउंटेन से। आई होप ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं बिल्कुल जो जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ, ठीक है, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रही हूँ। जो आपको सिर्फ आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी में जो मार्क करना है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ, आप उसको सिर्फ हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, और उसके बाद में यूरेशिया बोलते हैं, यूरोप और एशिया को मिक्स करके इसको यूरेशिया नाम दिया गया। यूरोप जो है वो काफ़ी छोटा है, हमने देखा एशिया के वेस्ट के अंदर है, आर्कटिक सर्कल, मतलब ये क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में पड़ता है, मैंने लास्ट भी बताया था, लास्ट क्लास में भी, तो ये क्या रहता है हमारा, आर्कटिक सर्कल की तरफ, और ये वाटर से सराउंडेड है, ठीक है, तीन साइड से। उसके बाद में अफ्रीका देखे तो सेकंड लार्जेस्ट है अफ्रीका। इसमें से अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों, इक्वेटर, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इस तरीके से ये तीनों इसमें से क्या होती है, तीनों लाइंस इसमें से पास होती है, सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट है इस तरीके से, ठीक है। और ये जो मोस्टली क्या है इसका, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये रहता है, ठीक है, और इसके अंदर सहारा डेजर्ट है जो कि हॉटेस्ट डेजर्ट है, मतलब लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, ठीक है। और उसके बाद में हम, मैंने बताया था नील रिवर यहाँ से जाती है, ठीक है, तो ये आप इतना ध्यान रखिए। अब नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़े तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले एशिया है सबसे लार्जेस्ट, फिर कौन है, अफ्रीका, और थर्ड नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और इट इज़ लिंक्ड टू द साउथ अमेरिका बाय द नैरो स्ट्रिप ऑफ द इसमस ऑफ द पनामा। अब देखिए ये देखने वाली चीज़ है कि ये जो नॉर्थ अमेरिका है ये साउथ अमेरिका है, और ये यहाँ पे किससे कनेक्टेड है, ये इस चीज़ को बोला गया इसमस ऑफ पनामा, ठीक है। तो ये आप मार्क किए कर लीजिए अपनी बुक के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए, और ये जो कॉन्टिनेंट है कम्प्लीटली नॉर्थन, उसमें जो अर्थ है जैसे अर्थ के नॉर्थ में रहता है और नॉर्थ वेस्ट वाले पोर्शन में ये है, ठीक है। तीन ओशियंस है इसके आसपास, कौन से इधर हमने देखा अटलांटिक सी है, इधर पैसिफिक है, और इधर साउथर्न ओशियन है।
उसके बाद में साउथ अमेरिका के बारे में अगर हम बात करें तो साउथ अमेरिका मोस्टली साउथ हेमिस्फीयर में है, ठीक है, एंड इज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है यहाँ पे, ठीक है, और अमेजन रिवर लार्जेस्ट, और यहाँ पे अमेजन फॉरेस्ट भी है, ठीक है। तो ये आप देखिए, ये देखिए इसको इस्थमस बोलते हैं जो कि दो लैंडमार्क्स को ज्वाइन कर रहे हैं, नैरो स्ट्रिप, ठीक है, और एक स्ट्रेट जो दो लार्ज कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज, एक सी को और एक ओशियन को, एक सी और ओशियन को जो कनेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। नेम द स्टेट इंडिया और श्रीलंका को जो कनेक्ट करती है, कौन सी स्टेट है वो आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया कम्प्लीटली आप देख सकते हो कि साउथ के अंदर है, और उसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं क्योंकि वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में देखिए एंटार्क्टिका बिल्कुल साउथ के अंदर है, साउथ पोल के उधर टच करता है, ठीक है, पोलर रीजन है, हमने देखा कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है यहाँ पे। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री हमारे क्या है, यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स है, हम रिसर्च करते हैं वहाँ पे, ठीक है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ध्यान रखना है। उसके बाद में हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो ये ब्लू अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि 71% जो है वो क्या रहता है, जो है वो अर्थ का पोर्शन जो है वो वाटर से कवर्ड है, और 29% जो है फिर हमारा क्या है, लैंड से कनेक्टेड है, ठीक है। और फिर देखिए 97% जो वाटर है वो ओशियंस के अंदर है, उसके बाद में लार्ज प्रोपोर्शन जो आइस शीट और ग्लेशियर्स और फ्रेश वाटर जो है वो इस तरीके से है, ठीक है। अब उसके बाद में ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, पता है आपको, ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बार बार आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा, क्लास 11 के एनसीईआरटी में भी मिलेगा, ये प्रीवियस ईयर 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 3 बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट आ चुकी है कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो फ्रेश वाटर है वो किस चीज़ के अंदर स्टोर्ड है, जैसे फ्रेश वाटर हो गया, ठीक है, तो वो ग्राउंड वाटर है या ग्लेशियर्स हैं या रिवर्स के अंदर है, ठीक है, तो वो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे ज़्यादा पानी जो फ्रेश वाटर है वो किस चीज़ के अंदर, मतलब कौन सी फॉर्म में है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए ओशियंस हमने देख लिया, 6 से 7 ओशियन, कौन 5 मेजर जो थे, पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन ओशियन, फिर साउथ में साउदर्न ओशियन और नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन, ठीक है। अब हम पैसिफिक की बात करते हैं तो पैसिफिक हमने देखा वो इस तरफ और इस तरफ, इस तरीके से ये जो पैसिफिक ओशियन था हमारा, ठीक है, वन थर्ड जो है पोर्शन ये अर्थ पे फैला हुआ है। मैरियाना ट्रेंच हमने देखा डीपेस्ट थी, ये भी पढ़ा हमने, ठीक है। पैसिफिक ओशियन जो है सर्कुलर है शेप में, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनके आसपास ये है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में अटलांटिक ओशियन की बात करें तो ये एस शेप में, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका, यहाँ पे यूरोप हो गया, यहाँ पे अफ्रीका हो गया, ठीक है, ये हमने इस तरह से देख लिया। और ये जो अटलांटिक ओशियन की जो कोस्ट है ना, जो कोस्ट लाइन है वो इंटेंटेड है इस तरीके से है, ठीक है, तो वो इससे क्या होता है, इससे जो ये देखिए आप, ये इंटेंडेड कोस्ट लाइन है इस तरीके से, इस टूटी फूटी सी है, तो ये क्या करती है, नेचुरल हार्बर्स, पोर्ट्स के लिए अच्छा है, और इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे ट्रेड अच्छा होता है, यहाँ पे बिजनेस अच्छा होता है, ठीक है। फिर अगर हम ओशियन, इंडियन ओशियन की बात करें तो इंडियन ओशियन एक ओनली ओशियन है जो कि किसी कंट्री के नाम के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, और ये ट्राइंगुलर है इस तरीके से शेप के अंदर, इस तरीके से ये ट्राइंगुलर है, ठीक है, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ में। साउदर्न ओशियन की बात करें तो ये एंटार्क्टिका के पास में, आर्कटिक ओशियन की बात करें तो ये नॉर्थ पोल के इधर, आर्कटिक ओशियन इस तरफ है, कनेक्टेड विद द पैसिफिक बेरिंग स्ट्रेट। अब बेरिंग स्ट्रेट ये पढ़िए आप, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए बेरिंग स्ट्रेट क्या है, ये पैसिफिक ओशियन इट इज, देखिए ये कनेक्ट करती है, इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन विद नैरो स्ट्रेट, इधर हो गया आपका आर्कटिक ओशियन, ठीक है, और ये हो गया आपका पैसिफिक ओशियन, ठीक है, तो इधर ये पैसिफिक है, ये आर्कटिक है, इन दोनों को जो कनेक्ट करती है उसको क्या बोला गया है, बेरिंग स्ट्रेट बोला गया, ठीक है। अगर हम मैप में दिखा तो मैं आपको बताती हूँ ये कौन सी जगह की बात कर रहे हैं, जस्ट ए मिनट, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। हाँ ये देखिए मैं बताती हूँ आपको, पैसिफिक, और नहीं इसमें शो नहीं हो पा रहा है, मैं किसी और लेटर ऑन वीडियो के अंदर बताऊंगी आपको ये चीज़, बाकी आप इसको एक बार देख लेना, एक मिनट। हाँ जी देखिए, अब हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर हमने देखा था, अच्छा एटमॉस्फेयर की जो ये जो लेयर्स रहती है ना, अलग अलग लेयर्स है, इसकी ट्रिक है टी एस ई, नहीं
TSM और TE, TSM TE, ठीक है, इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिए. जस्ट अ मिनट. हाँ देखिए, ये हमारा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर. इनको हम डिटेल में नेक्स्ट अदर क्लासेस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट हायर क्लासेस के अंदर. देखिए, अर्थ जो है वो लेयर ऑफ गैसेस जो है, लेयर ऑफ गैसेस सराउंड है, उसको एटमोसफेयर बोला गया है. ठीक है, यहाँ पे अलग अलग, ये एटमोसफेयर हमारा कितना, 1600 किलोमीटर, बहुत हो जाता है, 1600 किलोमीटर तक ये क्या है, एक्सटेंड हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे कंपोजिशन और टेम्परेचर के बेसिस पे इसको फाइव लेयर्स में, जो हमने देखा अभी TSM TE, इससे इसको डिवाइड करके ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर. ठीक है, अब देखिए, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारा एटमोसफेयर है उसमें मैक्सिमम क्या है, उसमें क्या है, 78% तो नाइट्रोजन ही है, 78. ठीक है, और 21% जो है वो हमारी ऑक्सीजन है, बाकी क्या है, CO2 और 1% CO2 और अदर वो गैसेस हैं. ठीक है, फिर ऑक्सीजन जो है आपको पता है लाइफ को लाइफ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. ठीक है, जबकि नाइट्रोजन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है. कार्बन डाइऑक्साइड हमने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है. ठीक है, और डेंसिटी ऑफ द एटमोसफियर ये डिफरेंट वेरी करता जाता है हाइट के साथ में. मैक्सिमम ये कहाँ होती है, लोवेस्ट लेवल पे, सी लेवल पे जो है ये क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है क्या, डेंसिटी. और अगर हम ऊपर ऊपर जाएंगे तो ये क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. इसी वजह से आपने देखा होगा सी लेवल पे तो सही होता है, जब वो जब माउंटेन्स पे जाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, है ना, तो वहाँ पे डेंसिटी ऑफ द एयर कम होती जाती है. ठीक है, और इसी वजह से उनको ये सिलेंडर लेके जाने पड़ते हैं. ठीक है, उन टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस, टेम्परेचर भी ऊपर जाते हैं तब टेम्परेचर भी हमारा क्या हो जाता है, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा. टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या, ऊपर जाके ठंड होती जाती है, राइट. ठीक है, टेम्परेचर भी हो गया. ठीक है, और एटमोसफेयर जो है वो प्रेशर यहाँ पर लगाते हैं. ठीक है, और ये आपने देखा होगा कि जो जो क्या रहता है कि एयर जो है वो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम विंड बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए, ये बायोस्फीयर के बारे में बता रहे हैं. बायोस्फीयर के एक नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर सब कनेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, और ये हमारे प्लेनेट पे यूनिक है. अब देखिए, यहाँ पे वाटर हो गया, ठीक है, ये लैंड मास हो गया, है ना, ये एयर, एटमोसफेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, सब ये सब क्या है, ये बायोस्फीयर मिल के बायोस्फीयर बना रहे हैं. ठीक है, जहाँ पे एक लाइफ एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, तो आज बस बायोस्फीयर के बारे में हमें थोड़ा देखना है, आज का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. फिर ये देखिए, और ये बैक्टीरिया और ये सब माइक्रोब्स, ये सब सर्वाइव करते हैं बायोस्फीयर के अंदर. ठीक है, उसके बाद ये बोलते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है बायोस्फीयर में, प्लांट रहता है और एनिमल रहता है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम. ठीक है, थ्री डोमेन्स हमने देखा. फिर फॉरेस्ट है जो एक मतलब इन्होंने बोला कि कटिंग ऑफ फॉरेस्ट जो है वो हम कट करते हैं इनको किसके, वुड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सब सारी चीज़ों के लिए. और उसके बाद में इन्होंने क्या बताया कि सिर्फ एक सुनामी के बारे में बताया, आई थिंक कोई कैलेमिनिटी के बारे में, कि जिससे अंडमान निकोबार जो है सब मर्ज हो गया था. ठीक है, तो ये सब हमारा बेसिक सा पार्ट था हमारी. अच्छा, ये सिर्फ एक ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और बता रखा है इन्होंने कि जैसे जैसे CO2 का जो एमिशन है वो बढ़ता जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ठीक है, तो ये अभी के लिए इतना ही. और एक्सरसाइज जो है, लेक्चर लंबा हो जाएगा, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, हमने ये कॉन्सेप्ट इसके अच्छे से देख लिए, मैंने बहुत डेप्थ में, एज यू नो कि डेप्थ में बताया है, तो आप सिर्फ अपनी NCERT उठाइए और उसमें मार्क कीजिए जो जो चीज़ें मैंने बताई है साथ साथ, और उसकी एक रिवीजन कीजिए. ठीक है, थैंक यू.